अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अरसलान रशीद और आप देख रहे हैं ARJ व्लॉग्स। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको ग्लूकोमीटर की अनबॉक्सिंग दिखाई थी और बोला था कि इंशाल्लाह अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे। तो अभी हम जो है वो शुगर चेक करने लगे हैं, तो आपको तरीका बताते चलें कि जिस तरह लास्ट टाइम में इसकी अनबॉक्सिंग करते वक्त कुछ चीज़ें मैंने बताई थी। लांसेट है, ठीक है। अब हम इसको जो है वो स्ट्रिप्स हमने अभी नहीं निकालनी, पहले हमने अपने जो है पेन को सेट करना है, ठीक है। पहले हम इस पेन को सेट करेंगे, हमने लांसेट डालनी है। जब भी किसी बंदे का हमने शुगर चेक करना होता है तो एक जो है ये डिस्पोजेबल है और इसको यूज़ करके हमने फेंक देना है। इसको इस तरह ओपन करेंगे और इसको इस तरह ये जो लाइन है ये यहाँ पे आई है, ये क्लिक कर दिया इसने। क्लिक करने के बाद इसको ऐसे आप टर्न करके इसे ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये पिन आ जाएगी आगे। फिर आप इसको इस तरह यहाँ बंद करेंगे और इसको खींच देंगे। इसको खींचना लाजम होता है, यहाँ पे लॉक हो जाता है। अब यहाँ पे हमने अब देखें इस यहाँ पे टाइप होता है कि हमने कितनी गहराई में इसको लॉक करना है, ठीक है। अब मीटर में हम इसको जो हमारे स्ट्रिप्स हैं इसको डालेंगे। अब आपको दिखाएंगे, देखिए इसमें से एक हम स्ट्रिप्स निकालते हैं। ये एक स्ट्रिप्स हम निकाल के इसको आपने फ़ौरन बंद करना है, क्योंकि ये चिप्स होती हैं तो ख़राब होने का इसका खदशा होता है। अब देखिए, अब इस मीटर में हम इसको स्ट्रिप्स को ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट करेंगे तो ये मीटर ऑन हो जाएगा। आप चेक करें, ये देखें ये मीटर चेक ऑन हो गया, ठीक है। अब ये चेक कर रहा है। चेक जब ये ड्रॉप्स आना शुरू हो जाए, मैं लाइट में शायद कुछ नज़र नहीं आ रहा। जब इस तरह का ड्रॉप्स आपको नज़र आएगा तो इट्स मीन कि आपकी चिप वर्किंग में है और अभी आप इसमें ब्लड इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको इंसर्ट करेंगे जिनका हमें शुगर लेवल चेक करना है। और हमने कोशिश करनी है कि हाथ की ये जो उंगली है, मैंने अपनी पिछली एपिसोड में बताया था कि इस उंगली में हमने चेक करना इसलिए लाजम होता है कि बाकी उंगलियां जो होती हैं अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल जाती है, लेकिन इस उंगली में अगर इन्फेक्शन हो भी जाए तो हाथ में इन्फेक्शन फैलती नहीं है, क्योंकि इस उंगली का जो कनेक्शन है वो बाकी हाथ के साथ नहीं होता, बाकी तमाम उंगलियों का कनेक्शन हाथ में होता है। अब इसको सेंटर में हमने रखा है। अब यहाँ पे इसको रखेंगे इस तरह, ये पीछे करें, यहाँ पे रखेंगे और इसको सिर्फ हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इस पर स्पिरिट या डिटोल लगाना भी ज़रूरी है जी। तो हम जहाँ पे पिन करना है तो वहाँ पे पहले स्पिरिट लगाएंगे, डिटोल, स्पिरिट, सैनिटाइज़र कुछ भी है, आप इसको साफ़ कर लें पहले जर्म्स से, ये क्लियर। और फिर हम इसको यहाँ पर रख के इस तरह क्लिक करेंगे, ठीक है। आप देखिएगा, ये देखिए, बस। अब इसको हाथ रखें और दबाएं, थोड़ा सा प्रेस करें। ये अभी हम ब्लड इसमें इंसर्ट करेंगे मशीन में। देखिए आप, ये अब ये काउंटिंग शुरू कर रही है। ये देखिए, ये शुगर लेवल इसने बता दिया है 233, जो कि हाई है इस वक्त। तो इस तरह से आप शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। और अभी इसको चेक करने के बाद अभी इसने स्ट्रिप आपने डिस्पोज कर देनी है, फेंक देनी है, और इसमें जो पिन है वो भी निकाल के हम इसको इस तरह से, यानी कि इस तरह निकाल के इसको डिस्पोज कर देंगे। आप इसकी कैप वापस लगा दीजिए, अब लगती है ये इस तरह, आप इसको डिस्पोज कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम अपनी आने वाली अगली वीडियोज़ में नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।